दोस्तों वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। एक उपराला पंजाब एसोसिएशन का और सारे ताड़े दोस्तों के सहयोग नाल, क्योंकि साड़ी करोड़ों रुपया मिट्टी दे खर्च हुंदा आ, लेकिन जिहड़ा हिस्ट्री च नाम लिखा जाना आ वो इस मैट ते लिखा जाना आ। जॉब मिलनी आ इस मैट ते लड़ूगा तां ही मिलनी आ, और होर प्रमोशन भी इदां ही मिलदियां आ, होर कई कुछ पैसे अजकल ते देखो 5-6 करोड़ रुपया जिहड़ा ओलंपिक तो चैंपियन आ जांदा आ, होर जिहड़े वर्ल्ड तो वखरे आ दूसरे दर्जा बदर्जा जो भी जित करता आ उन्हूं मिलदे आ। ते उस दे बावजूद भी साडे पंजाब दे पहलवान जो अही करना चाहते नहीं कर सके, लेकिन हुण असी ये उपराला कर रहे हैं। इस ताडे लोकां दा छिंझां वालियां दा जो कुश्ती शकीनां दा असी सहयोग मंगदे हाँ कि आपां सारे मिल के हमला मारीए, पंजाब दी कुश्ती नूं उपर लैके जाइए। एक इको इको एक उपराला आ कि पिंडां दे विच जो करोड़ां रुपईआं दीआं छिंझां हुंदीआं आ, करोड़ां रुपया खर्च करदे साडे पंजाबी, उहनां दा असी यह नहीं कहिंदे कि हर जगह मैट ते ही होनी चाहीदी आ। हरियाणे दे विच कोई जंग या नहीं फड़दा, कोई पिंडां ते कुश्तियां हुंदीआं आ, चितपट भी हुंदीआं आ। ते सानूं अहीं बेनती करदे हाँ अवल ते मैट ते कराओ, नहीं तो साढ़े जो सहयोग नाल तुहानूं ही रैफरी भेजांगे असी, वो तुहाडी इहदे विच योगदान ही पाउण नूं तैयार हाँ। जे तुसीं छिंझ नूं तुसीं साडे मुताबक चलो ते असी अहीं पंजाब रसलिंग एसोसिएशन नूं ते तुहाडे सहयोग नाल अहीं उहनां दे विच कुछ दे सकदे हाँ। ते असी इहो साडी बेनती आ कि जिद्दां आ वी सी साहब आए आ, इन्हां ने पहला टूरनामेंट कराया, होर खिदरापुर वाले करा रहे आ, अंबरसर दे विच होया, हुण होर भी अहीं आनंदपुर भी अहीं उस हिसाब नाल ही कराया सी। श्री आनंदपुर साहब बहुत लोगों ने पसंद की कुश्ती मिट्टी च ही, लेकिन रूल यो इंटरनेशनल सी। ते मैं ये समझदा कि जो गुलजार साडा दोस्त ही ते कुंडू पहलवान जी ने ये बहुत वड्डा उपराला करके ये 18वां प्रोग्राम जिहड़ा ही वड्डे लैवल ते लीकिया, और ये तकरीबन 25-27 लाख रुपया खर्च हो रहा आ जिहड़े ये सारे इन्हां दे दोस्त मित्र ही कर रहे आ। ते मैं इन्हां नूं वधाई दिंदा आ। भैन जी साडे गुलजार मिसिज आए ने, उन्हां दा बेटा आया आ, उन्हां दा भांजा आया आ, सारा परिवार आया आ। ते मैं उन्हां नूं भी वधाई दिंदा आ कि गुलजार जी दे जरिए नाल यह कुश्ती साडी वध फुल रही आ। ते मैं फिर एक बार सारे आए हुए दोस्तों का तह दिल तो धन्यवाद करदा आ कि इस कुश्ती नूं प्यार करो, समझने की कोई प्रॉब्लम नहीं गी, ये सीधा साधा काम आ। ये कोच साहब समझा भी रहे आ, ते हर अज तुसीं थोड़ा जिहा भी इधर ध्यान दोगे तो सारी कुश्ती समझ आ जूगी। और मैं दावे ना कह सकदा ये ओलंपिक का मैडल आएगा तो पंजाब के पंजाबी लै सकते आ, ये पहलवानी दे विचों ये हरियाणा साडा छोटा वीर सी ये उपर जा रहा साथों, वो भी मैडल लैन, पर सानू उदों ज़्यादा ठंड ज़्यादा पऊगी। ये हरियाणे का होके भी लगा आ, हरियाणे का होके भी लगा आ पंजाब की कुश्ती नूं उपर चुकन, सानू थोड़ी जी संग आनी चाहिए आ। मैं कोचिज नूं और पुराने पहलवानों नूं ये भी बेनती करूँगा, तुसीं भी बेचा ये वध चढ़ के सहयोग पाओ और अपनी कुश्ती नूं प्रफुल्लित करो, वधाओ। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। भाई इस कुश्ती का शुभारंभ हमारी बहन जी आई हुई मिसेज गुलजार, उनके सुपुत्र सभी एक बार मैट पे आ जाएं, पूरी टीम हमारी बहन रानी, ये कुश्ती का शुभारंभ आपके द्वारा होगा, आ जाएं सारा परिवार। चलिए ताज सरताज संदीप आज आज आओ बहन जी, हमें ये अंतरात्मा की आवाज है पद्म श्री करतार सिंह। जब गुलजार का नाम आता है दिल में
धड़क धड़क धड़कन बढ़ जाती है। और ये एक ख्वाहिश है मेरी, हे परमात्मा अगर एक दो जन्म और हो तो गुलजार जैसा परमात्मा दोस्त जरूर देना, गुलजार जैसा दोस्त जरूर देना। तो वो गुलजार पहलवान जो एक संत गृहस्थी होते हुए संत था, जिसने पहलवानी को ऊपर उठाने के लिए समाज सेवा के लिए बहुत काम किए, वो दारा स्टूडियो में एज ए मैनेजर काम करता था। उसके साथ में जो फौजी हैं जो अपंग हो जाते हैं, जो रेडियो उन पे चलते हैं व्हील चेयर्स पे, हर साल उनके जितने भी उत्पाद बनाते थे, वो चाहे स्वेटर हो चाहे दूसरे सामान हो, सारे सामान खुद खरीदता था। 2 लाख रुपए के सामान हर साल खरीद के गरीबों में बांटता था ताकि इनकी रोजी रोटी चले, ये व्हील चेयर पे हैं। ऐसा था गुलजार पहलवान। अपने पिताजी के नाम हर दंगल में 1 लाख रुपए भेजता था। जहां भी पंजाब केसरी कुश्तियां हुई, 1.25 क्विंटल लड्डू, 1.25 क्विंटल फ्रूट, ये सारी चीजें। और आज इतनी शक्ति है उस नाम में कि आज मैं काबिल हूं ये इस पंजाब में इतना बड़ा गुलजार गोल्ड कप 25 लाख रुपए का नाम है जिसमें उसको हम करवा पा रहे हैं। तो मैं सभी दर्शकों को अभी ये कुश्ती के बारे में बता दिया, हाथ खड़ा करे, बहुत बेहतरीन दंगल है ये। रेड कॉस्ट्यूम दे विच साहिल और जसप्रीत और टाक मार के ते 4 अंक प्राप्त किए ने गद्दे ते चढ़द्या ही। लाल कॉस्ट्यूम दे पहलवान ने 4 अंक अपने खाते दे विच जोड़ लेने, तो बहुत ही शानदार दाव लगाया। टाक मारिए टाक ला के 4 अंक जसपूरन जसपूरन नीले कॉस्ट्यूम दे पहलवान ने भारी वजन दी कुश्ती और चीते और शेर दी लड़ाई देखने को मिल रही है इस गद्दे दे ऊपर। और देखना है कि लाल कॉस्ट्यूम दा पहलवान बराबरी ते आने लई की कर पाउंदा। जद के पैसिविटी वार्निंग दी गई है, साहिल नू वार्निंग दी गई है रेफरी द्वारा। तो पहले राउंड दी है कुश्ती जिस दे विच नीले कॉस्ट्यूम दा पहलवान 4 अंकां दी लीड बना चुका है। और दोनों पहलवान गद्दे दे उपर हाथ रख के और एक दूसरे दा बैलेंस लूज करन दी कोशिश दे विच ने, लेकिन रेफरी बराबर आदेश देंदा होया। और पट लगन दी कोशिश जरूर कीती सी लाल कॉस्ट्यूम दे पहलवान ने, लेकिन पिछे हटके नीले कॉस्ट्यूम दे पहलवान ने अपना बचाव कीता। तो दोनों पहलवान पैसिव लड़दे हुए, जिस करके रेफरी ने छड़ा के दोबारा लड़न दे लई आदेश दिता। और एक दूसरे दी गर्दन दे उपर और बगलां भरन दी कोशिश कर रहा लाल कॉस्ट्यूम दा पहलवान, नाल ही गिट्टा खिंचन दी भी कोशिश कर रहा, लेकिन नीले कॉस्ट्यूम दा पहलवान उहदी अजे तक कोई भी वाह पेश नहीं जान दे रहा। जबकि ये पहले राउंड दी कुश्ती 30 मिनट दी कुश्ती और दर्शकों दीआं नज़रां इन्हां पहलवानां दे उपर। मैं प्रबंधक कमेटी और खासकर आर एस कुंदू दे जज्बात हिम्मत और सोच की कदर करदा, जिन्होंने कि लगातार गुलजार की याद दे विच 18 साल तो टूरनामेंट करवा रहे ने और ये खेमे पाउण की कोशिश लाल कॉस्ट्यूम दे पहलवान द्वारा और धाके बाहर जाण की कोशिश बराबर लाल कॉस्ट्यूम दा पहलवान।
और बहुत ही फुर्ती दे नाल, बड़ी फुर्ती दे नाल, कमादी चिड़े जिनी फुर्ती रखता हुआ लाल कॉस्ट्यूम का पहलवान पिछे आके तो अंक प्राप्त करन दे लई कामयाब हो गया। और लाल कॉस्ट्यूम दे पहलवान ने बड़ी देर तो बाद अंक बटोरे ने, तो देखना है कि पहले राउंड दे विच दो चार दो दे फर्क नाल लाल नीले कॉस्ट्यूम का पहलवान ऐसे अपनी बढ़त बना चुका है। तो इस तरह नाल तीन मिनट की कुश्ती पहले राउंड की खत्म हुई और चार दे मुकाबले दे विच दो अंक ने लाल कॉस्ट्यूम दे और चार अंक ने नीले कॉस्ट्यूम पहलवान दे, जबकि इन्हों दे कोच इन्हों ताज़ा दम कवर करते हुए और टिप्स देंदे हुए कि किस तरह नाल जड़ी अगले राउंड की कुश्ती है वो किस तरह नाल लड़ना है। और देखना है कि इस कुश्ती दे विच अगर बराबरी ते आना है तो पूरा अड्डी चोटी का जोर लगाना होगा लाल कॉस्ट्यूम दे पहलवान नू, जिहड़ा कि दो अंकां नाल इस वेले पिछे और चार अंक ने नीले कॉस्ट्यूम दे पहलवान ने। और गर्दन ते हथ रख के खिच पाँदा होया बैलेंस लूज करता होया और धक्के ही बाहर लै गया और इस दे नाल एक अंक प्राप्त किया लाल कॉस्ट्यूम दे पहलवान ने। तो बहुत ही कड़ा संघर्ष 4-3 दे फर्क नाल, 3 ने लाल कॉस्ट्यूम दे पहलवान दे, 4 ने नीले कॉस्ट्यूम दे पहलवान ने। और जद भी ये पहलवान दाव लगाउंदे ने डौलिया दे मसल पट्टा दे मसल अड अड करके दिखाई देंदे ने, लगता कि काफ़ी मेहनत तो बाद आए ने और बड़ी फुर्ती दे नाल पिछे आके ते दो अंक प्राप्त कर लेने लाल कॉस्ट्यूम दे पहलवान ने। तो इस तरह नाल दूसरे राउंड दे विच चार दे मुकाबले दे विच लाल कॉस्ट्यूम दा पहलवान 5 अंकां दी लीड बना चुका है। तो बहुत अच्छी कुश्ती का मुजहरा करता होया लाल कॉस्ट्यूम का पहलवान और वापसी की है दूसरे राउंड दे विच। दोनों पहलवान गर्दन ते हथ रख के एक दूसरे की ताकत नू जमाते हुए और लाल कॉस्ट्यूम का पहलवान धक्के बाहर ले जाने की कोशिश दे विच है और पिछे ताके बार लै गया और एक अंक होर लाल कॉस्ट्यूम दे पहलवान नू। तो इस तरह नाल 6-4 दी बढ़त लाल कॉस्ट्यूम दे पहलवान। दूसरा राउंड खत्म होने दे विच कुछ ही पल बाकी ने, जबकि 7-4 का स्कोर लीड बनाउंदा 7-4 7-4 लाल कॉस्ट्यूम दे पहलवान दे 7 अंक, 4 अंक ने नीले कॉस्ट्यूम दे पहलवान दे। लाल अंक लाल कॉस्ट्यूम दा पहलवान पहले राउंड दे विच पछड़िया सी, लेकिन दूसरे राउंड दे विच अपना ताज़ा दम हो के कोचिस कोलों टिप्स लैके तो बढ़त हासिल कर लिए लाल कॉस्ट्यूम दे पहलवान ने। कुश्ती का लास्ट मिनट, अंतिम मिनट में कुछ ही पल बाकी ने इस दूसरे राउंड दे विच। अगर बराबरी दे उन्होंने ते नीले कॉस्ट्यूम दे पहलवान 40 सेकंड टैग करना होवेगा दोनों पहलवान, लगता है कि दोनों पहलवानों का काफ़ी जोर लग गया है जिस करके दाव लगाउण दे विच दोनों ही पहलवान थोड़ा जिहा मठा लड़ते हुए और रैफरी का इशारा दोबारा लड़न दे लई। गर्दन ते हथ रखे ने दोनों ही पहलवानों ने और गर्दन ते हथ रखने नाल पॉइंट नहीं मिलेगा, अकाउंट टैग करना होगा काउंटर करना होगा। तो इस दे नाल ही ये दूसरा राउंड ख़त्म होया
और अंकां दे आधार दे उपर पहला स्थान प्राप्त किया है इस बाउट दे विच लाल कॉस्ट्यूम दे पहलवान ने। तो मैं प्रबंधक कमेटी दे जज्बात की कदर करदा। सियाने का कहना है कि जे मिट्टी नूं कट दिए तो खूबसूरत सुराई की शकल अख्तियार कर जाती है, जे लकड़ी नूं कट दिए तो शानदार फर्नीचर तैयार किया जा सकता है, तो जे इंसान नूं कट दिए तो नरोया समाज सिरजा जा सकता है। तो मैं समझदा कि खेड